मैं अमरजीत सिंह जनसेवक स्वयं में दिव्यांग हूँ और राष्ट्रीय दिव्यांग सभा का अध्यक्ष हूँ मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं राजनीति में जाऊंगा लेकिन दिव्यांगों की सेवा के लिए मुझे लगा कि जरूरी है कि जब तक कोई ना कोई दिव्यांग राज्यसभा और विधानसभा और या विधान परिषद या लोकसभा में नहीं जाएगा तब तक दिव्यांगों का उत्थान नहीं हो सकता है लेकिन लंबे समय से मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा था कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मुझे जाना चाहिए मुझे संपर्क करना चाहिए बहुत लंबे समय का जो दिल में भाव था वो अचानक पिछले अक्टूबर में मुझे माउंट ताबू में आने का मौका मिला और यहां आके जब मैंने यहाँ का अद्भुत नजारा देखा दादियों से मुलाकात की मैंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा यहाँ हमारे साथ जो एक लड़का हमको गाइड कर रहा था पवन पवन भाई से मैंने पूछा कि यहाँ का डिसिप्लिन कौन संभालता है यहाँ का कंट्रोलर कौन है यहाँ का प्रॉक्टर कौन है किसके हाथ में अनुशासन है उसने मुस्कुरा कर कहा कि सर सात दिन का जब आप कोर्स कर लेंगे तो आप ये नहीं पूछेंगे अपने आप में हर व्यक्ति अनुशासित अपने आप में हर व्यक्ति और यहां की सब चीजें देखने के बाद जैव की भोजन ब्रह्मा कुमारी जिस तरीके से मैंने देखा यहां का किचन वहा साहब ऐसा लगा कि इस सारी दुनिया में कोई व्यक्ति पूर्ण मानव जब तक नहीं है जब तक यदि उसने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं हुआ संबंध नहीं रखा उसका अनुयायी नहीं हुआ उसकी ट्रेनिंग लेकर उसका कोर्स करके काम नहीं किया तो मुझे लगता है कि वो उसका जीवन अपने आप में संपूर्ण नहीं है इसलिए मैं तो ये अनुरोध करूंगा देश के राजनीतिक दलों से राजनीतिक पार्टियों से जो आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हो, रामचंद्र मिशन है एसआरसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से संबद्ध ही नहीं जो जिसका उसके जीवन में प्रभाव हो प्रभाव दिखे और यहां के द्वारा जिनको प्रमाण पत्र दिया जाए कि ये विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने के योग्य है राजनीतिक दलों से मेरी अपील है उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाए ताकि वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचकर उनके माध्यम से जो विचार आएंगे उनके माध्यम से जो समाज में ईमानदारी सहिष्ठुता भाईचारा और शांति की दूत बनकर वो जो समाज को संदेश देंगे उससे पूरा समाज में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का एक एक संदेश एक एक गांव तक पहुंचेगा एक एक गली तक पहुंचेगा मैन टू मैन पहुंचेगा हर नौजवान को मिलेगा हर बुजुर्ग को मिलेगा तो मुझे लगता है कि कौन वो दिन जब आएगा जब लोकसभा और विधानसभाओं में ओम शांति और मालिक की चर्चा होगी और मालिक की चर्चा के माध्यम से जब विधानसभाओं में लोगों को ये लगेगा एम को एमपीस को अपने आप समाज सुधरेगा देश सुधरेगा हम सुधरेंगे और बराबर हम देखते हैं कि हमारे ए, कभी भी जो ताकतवर व्यक्ति हो, होता है जो ब्रह्मा कुमारी आने के बाद एक मैं बहुत बड़ा अनुभव बताऊं सप्ताह में पहले जब तक मैं संस्थाओं से नहीं जुड़ा था एक बार मैंने विजिट किया एक बार केवल में आया और एक बार यहां के आने के बाद मेरे जीवन में जो प्रभाव पड़ा मैंने पूरे परिवार को मैंने कोशिश की मेरा पूर्व पूरा परिवार मेरे बेटे मेरे बेटी मेरी बहू मेरे सब लोग इस संस्था से जुड़े और जुड़ने के बाद एक समाज को नई दिशा मिले और मैं तो वचनबद्ध हूं मुझसे यहां से कहा गया कि आपको दूध बंद करके काम करना है मैं अपने पूरे जीवन में खास तौर से युवा वर्ग को नौजवानों को जहां जहां भी जाता हूं या जाऊंगा उनको यही प्रेरणा दूंगा बच्चों एक बार मेरे नौजवान साथियों एक बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से अपने आप को संबद्ध करो संबद्ध करने के बाद अपने आप को लगेगा कि दुनिया क्या है हमें क्या चाहिए हम कहां जाना चाहते हैं हम कहां रहना चाहते हैं उसके लिए एक संस्था है रामचंद्र मिशन के साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जय हिंद धन्यवाद